हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 13.1, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. सो द क्वेश्चन इज, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर. एक वेसल है जो होलो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है और माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर से माउंटेड है और जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर फॉर इन द इनर सर्फेस ऑफ द वेसल. सो इनर सर्फेस एरिया ऑफ वेसल हमें बताना है. तो समझते क्वेश्चन को. एक वेसल है, किस शेप में है? होलो हेमिस्फेयर. माउंटेड किस से है? होलो सिलेंडर से. तो हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो ये हेमिस्फेयर हो गया हमारा. ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर. ओके, ये माउंटेड किस से है? होलो सिलेंडर. एक होलो सिलेंडर है, उससे माउंटेड है. ये हमने एक सिलेंडर बना दिया. ओके, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर. डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर. देखिए डायमीटर 14 है, सो हमें डायमीटर की जरूरत नहीं है, हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है. तो कितना हो जाएगा? 7. ओके, आगे क्या कहा? टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13. टोटल हाइट, देखिए ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7. टोटल हाइट कितनी है हमारी? 13 सेंटीमीटर. ओके, एंड फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है. स्टूडेंट, बहुत ही समझने का क्वेश्चन है, सही से समझना है. ओके, तो देखिए बात करते हैं. ये टोटल 13 है, ये 7 है, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 6 होगा, 6 सेंटीमीटर. ओके, सो क्या करेंगे अब? देखिए, तो हमें हेमिस्फेयर के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए और सिलेंडर के. तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? फाइंड करने के लिए कहा है सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ द वेसल. तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल बहुत ध्यान से समझेंगे. देखिए, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? कि ये पूछा है उसने, ठीक है, ये. ओके, तो इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. बहुत ध्यान से समझने का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसने इनर सरफेस एरिया की बात की, ठीक है. तो इनर का मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है. मतलब ये भी CSA कहलाएगा और ये भी CSA कहलाएगा. ओके, बहुत ही सिंपल है. क्या फाइंड करेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे. अगर ये कहता है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या करते हैं? टोटल सरफेस एरिया में ओनली ये वाला बेस एरिया और प्लस हो जाता, बाकी सब सेम रहता, क्योंकि ये और ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. ओके, अब CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? 2πr² और हेमिस्फेयर है क्योंकि हाफ है, तो हाफ हो जाएगा. और CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2πrh. ओके, सो 2π कितना है? 22/7 और r कितना है हमारे पास? 7×7 2π है, 22/7 और r है हमारे पास 7 और हाइट कितनी है इसकी? 6. देखो, ये 7 से 7 कट हो जाएगा, इस 7 से 7, तो ये 22 × 7 प्लस ये 44×6, ठीक है. चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए. 7×4 = 28 प्लस 6×4 = 24 × 26. अब इन दोनों को प्लस करेंगे, सो 308 को 264 में प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 × 4 = 12 का 2 carry 1 7 5, मतलब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल है. हमें सबसे पहले क्या समझना होता है इसमें? CSA, ये है आपका, इसने कहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. इसका इनर पूछा है, इनर मतलब अंदर का ही पूछा है. अगर वो कहता है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा बेस एरिया और प्लस हो जाता है,
ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो होता है, ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, राइट। जो बाहर का होता है वो कर्व सरफेस एरिया, अगर इसमें बेस एरिया प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ये ओपन सिलेंडर होता, नीचे से ये माउंटेड नहीं होता, तब हमारा टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं इसके सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, तो ओनली वन बेस एरिया से प्लस होगा। ये सीएसए है और प्लस बेस एरिया ओनली वन का, राइट। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अगर सरफेस एरिया की बात की है, अच्छा वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन होंगे आपके बहुत सिंपल होंगे, बस ये सरफेस एरिया के जो क्वेश्चन है इसमें बस थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे करना है। ये सीएसए और ये भी क्या होगा, सीएसए, राइट। दोनों सीएसए हो जाएंगे और उसके बाद प्लस कर देंगे इनको दोनों को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके।